आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव 2017 में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं नवविवाहिता ने भी विदाई से पहले अपने मत की महत्ता को समझा और मताधिकार का प्रयोग कर वोट डाला। इसी के साथ तीसरे चरण के मतदान के लिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वहीं नौजवान मतदान के प्रति खासे उत्साहित दिखे। हरदोई में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए ड्यूटी पर आए होमगार्ड कृष्णपाल सिंह की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई, तो वहीं उसको उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये इनकी ड्यूटी लगी हुई थी तातरौली में जो है, और ये शाम को जो है कल वहाँ खाना वाना खाए, खाना खा करके फिर लेटरिंग करने के लिए गए, वहीं पर अचानक इनको मतलब तबीयत खराब हुई और इसके बाद इनको तुरंत ले जा करके सीएचसी में भर्ती कराया गया और जहाँ पर डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। और इसके लिए हमारे विभाग की तरफ से जो पूरा प्रयास है, निर्वाचन की तरफ से जो इनके लिए धनराशि अनुमन्य है वो दी जा रही है और हमारा पूरा स्टाफ इनके साथ लगा हुआ है। सीतापुर के लहरपुर विधानसभा के तंबौर में दलितों से वोट मांगने गए भाजपा सांसद राजेश वर्मा के गुर्गों ने सांसद के सामने ही दलित को पीटा। बताते कि दलित ने सांसद पर 3 सालों का हिसाब मांगा और विकास न कराने का आरोप लगाया, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की है। नगर के नींबू और नौरंगिया में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दर्जनों ग्रामीणों के घायल होने के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-28 को जाम कर दिया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि पिकअप ने ऑर्केस्ट्रा देखकर आ रहे लोगों को यहां रौंद दिया। गाड़ी से दुर्घटना हुई, उसमें मुकदमा लेकर गाड़ी की तलाश के लिए चारों तरफ पुलिस और उसको गिरफ्तार करके दुर्घटना होती है और गाड़ी पकड़ी जाएगी, गाड़ी अगर भागी है तो पकड़ी जाएगी। फिरोजाबाद में ट्रक ने मासूम बच्चे को रौंदा, तो वहीं बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने सिलेंडर से भरे ट्रक में तोड़फोड़ की और चालक को जमकर पीटा। साथ ही भीड़ ने यहां 2 घंटे तक हंगामा किया, तो वहीं लोगों को दिक्कतें पेश आई। ये एक बच्चा था यहाँ इटावा का रहने वाला, यहाँ एक शादी में आया हुआ था, इस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई, तो परिवार के मियाद से होकर उन्होंने जाम लगाया था। इसमें फिर पुलिस बल आया, उनको समझा बुझा के यहाँ से हटाया गया है, बॉडी को भिजवा दिया गया है, टैंकर और जो चालक है चालक को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के साहिबाबाद के श्याम पार्क में पब्लिक ने एक युवक को उस समय दबोचा जब वो बच्चे को चुराने के लिए स्लोगन बच्चे को सुनवाते हुआ पकड़ा गया। ऐसे में युवक को लोगों ने जमकर पीटा, तो वहीं आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब बच्चे के परिजनों ने मामला दर्ज कराया है। पीलीभीत के झोलाछाप डॉक्टर की नेपाल में अज्ञात लोगों द्वारा निर्मम हत्या करने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। डॉक्टर बीते 25 सालों से नेपाल में क्लिनिक चला रहा था और प्रतिदिन घर आता जाता था। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर नेपाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है, तो वहीं यूपी पुलिस खामोश है। बुलंदशहर के गुलावटी में असम से आए कूड़ा बीनने वालों का डेरा है। यहाँ डेरा में रहने वाली 7 साल की मासूम बम्बे में नहाने गई थी, लेकिन शाम तक नहीं लौटी। जब पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर तलाश शुरू की, तो आम के बाग में बच्ची का शव नग्न अवस्था में मिला। साथ ही आशंका जताई जाती है कि उसकी रेप के बाद गला घोटकर हत्या की गई है। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। मृतका के घर वालों ने सूचना दी, उस पर मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, मैं ही पहुंचा। सुबह उसकी बॉडी को कब्जे में ले लिया है, पंचनामे PM की कार्रवाई हो रही है। पिनल डॉक्टर से हम लोग उसमें PM करा रहे हैं और वीडियोग्राफी करा रहे हैं, और जो सर्विलांस के जरिए भी हमारी SOG टीम भी साथ में गई थी, सारे बंदियों को हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। उसके साथ किसने हत्या की है, क्या उद्देश्य रहा है, इन सब बंदियों पर जांच पड़ताल करके जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुल्तानपुर के सोली विधानसभा क्षेत्र के सेंट जॉन्स कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, तो वहीं रैली को स्कूल प्रबंधक द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ इस रैली के माध्यम से लोगों से मतदान करने की अपील की गई, साथ ही मतदान के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज।